सारे मेरे चैनल के मेंबर्स हैं जिनका नेम मैं आप लोगों को इस लिस्ट में दे रही हूँ, जिन्होंने मेरे चैनल को रिसेंट में ज्वाइन किया है। और भी बहुत सारे हैं जिन्होंने मेरे चैनल को ज्वाइन किया है, जिनका लिस्ट मैं आप लोगों को पहले भी दिखा चुकी हूँ और आगे भी दिखाऊंगी। हेलो एवरीवन, कहो कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड बहुत अच्छे से होंगे। सो गाइस, मैं अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट कर चुकी हूँ और ब्रेकफास्ट ये सब हो चुका है मेरा। और ये देखिए, चीनी का डब्बा भी डाइनिंग टेबल पर रह गया था। एक्चुअली ना मॉर्निंग मॉर्निंग बहुत भागम भाग हो जाती है, मैं सोचती रहती हूँ कि ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँ बट हो नहीं पाता है यार, तो इस सबको जगह पर लगा दी हूँ और अब मैं फ्री हो गई हूँ, तो वैसे चलो ब्लॉगिंग स्टार्ट किया जाए। तो ऐसे ही होता है, मॉर्निंग में ऐसी शुरुआत होती है। और ये सब मैं मंगवाई हूँ आज, आम का अचार बनाऊँगी इसके लिए। और इधर देखिए मम्मी, तब तक कुछ कुछ लंच के लिए भी बना के रख दी है। ये है बैगन की सब्जी, जो रेसिपी आप लोगों के साथ मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, बहुत ही टेस्टी बनती है ये बैगन की रेसिपी। और दाल भी बनाता है, रोटी बनी थी तो रोटी का तवा मैं नहीं हटाई क्योंकि लंच टाइम में मुझे फिर से रोटी बनानी है। तो मुझे अभी धनिया रोस्ट करना है, जीरा रोस्ट करना है, 5 फोरन रोस्ट करना है और आज मैं आप लोगों के साथ आम का अचार रेसिपी शेयर करूँगी। इससे पहले वाले ब्लॉग में जब आम का अचार धूप में सुखा रही थी ना, तो आप लोग बोल रहे थे कि आम का अचार कैसे बनाते हो रेसिपी शेयर करने के लिए, तो आप लोग कहने पर मैं आज आपका अचार रेसिपी शेयर करूंगी। तो ये मैं धनिया ले रही हूँ, जीरा ले रही हूँ, 5 फोरन ले रही हूँ और ये लाल मिर्च ले रही हूँ। तो आम का अचार बनाने के लिए सबसे पहले हम इस अचारों को रोस्ट कर देंगे, धनिया को, जीरा को, 5 फोरन को और मिर्च को। इस चारों को मैं रोस्ट करके रख दी हूँ, जब तक ठंडा होगा तब तक मेरी दाल है ना, और कढ़ाई गर्म था तो मैं सोचा चलो मुझे दाल भी रोस्ट करनी है, तो कढ़ाई गर्म था ही तो साथ के साथ ये काम भी मैं ख़त्म ही कर दूँ सोच के मैं दे आई हूँ, दाल भी थोड़ा सा रोस्ट कर देती हूँ। और ये जो है ना तुअर का दाल, उसे थोड़ा सा रोस्ट कर दूँ ना तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो कढ़ाई गर्म था तो मैं साथ के साथ ये काम भी कर दी हूँ और तब तक वो ठंडा भी हो जाएगा और ग्राइंड करने में मुझे ईजी रहेगा। और हाँ, आप लोग से जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, अगर मेरी ब्लॉग थोड़ी सी पसंद आ रही है या हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को और साइड में दिया हुआ बेल आइकन प्रेस करके रखना, ताकि फ्यूचर में जितना वीडियो अपलोड करना हो सबका नोटिफिकेशन आप लोग को इजीली मिले और आप लोग मेरे वीडियो को इजीली वॉच कर सके। और हाँ, आप लोग मुझे इस तरीके से भी सपोर्ट कर सकते हो, जो स्पेशल थैंक्स है ना उसको प्रेस करके भी मुझे, अगर मेरी ब्लॉग पसंद आए तो मुझे धन्यवाद कह सकते हो, थैंक्स बोल सकते हो। और हाँ, सब्सक्राइब बटन के साइड में जो ज्वाइन बटन है ना उसको प्रेस करके भी आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हो। तो बहुत सारे मेरे ऐसे सूट से सब्सक्राइबर हैं ना जिन्होंने मेरे चैनल को ज्वाइन किया है, जिन्होंने मुझे इस तरीके से सपोर्ट किया है, तो उन सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी। और वीडियो के स्टार्टिंग में जितने सारे मेरे चैनल मेंबर्स हैं ना, उन सब का नेम दे दी हूँ, लिस्ट दे दी हूँ, आप जरूर चेक करें और आप लोग भी मेरे चैनल को ज्वाइन करके मुझे सपोर्ट करें। तो ये देखिए, आप लोग से बातें करते करते मेरा बहुत सारा काम हो गया, तो जैसे आप लोग से बात करना स्टार्ट करती हूँ मेरा सब काम फटाफट होने लगता है। तो जितना कुछ फील करना था ना वो सबको मैं फील कर दी हूँ। और यहाँ मैं हस्बैंड के लिए ना ओट्स भी डाल दी हूँ, वो भी उठ गए हैं तो उनका भी ब्रेकफास्ट बनाना, मतलब बनाने लगी हूँ मैं साथ के साथ। तो सुबह सुबह का ऐसे ही देखिए, ब्रेकफास्ट के बाद का मेरा ये सब काम है ना, सुबह का टाइम ना कैसे निकल जाता है कुछ पता नहीं चलता है यार। इस तरीके से पैक कर दी, बस ये बच्चे कुछ ये सबको मैं पीने लगा दी हूँ और इसको मैं अब स्टोर रूम में रख दूंगी। तो गाइस, ये है पति देव का नाश्ता, अभी जनाब जी उठे हैं, अभी ब्रेकफास्ट करेंगे। आज काफी देर से उठे हैं, एक्चुअली उनका एक कॉल था ऑफिस का, तो वो कॉल कर दिए थे और फिर से वो है ना कभी कभार एक्चुअली कल ना ऑफिस से बहुत, मतलब बहुत लेट हो गया था उनको आने में, 12 o'clock हो रहा था तभी ऑफिस से, हाँ 12 o'clock हो रहा था क्योंकि मैं डिनर कर दी थी तभी वो ऑफिस आए, तो काफ़ी लेट हो गया था ऑफिस में कल, इसलिए आज आराम से काम कर रहे हैं। एक मीटिंग था सुबह सुबह तो वो कर दिए थे और अभी
मतलब सो गए थे, फिर अभी उठे हैं ब्रेकफास्ट करे हैं, तो फिर मेरा ब्रेकफास्ट ये सब हो गया है, अभी होगा मेरे लंच की तैयारी। एक्चुअली ना मुझे आज मटन बनाना है, जो बचे खुचे मटन होते हैं ना थोड़ा मैं रख दी थी, तो मटन बनाना है पोटैटो के साथ, तो उसको मैं मैरिनेट करके रख दूंगी। अब मैं चले जाऊँगी शावर देने के लिए, कपड़े भी हैं डालने के लिए, कपड़ा डाल के तब जाऊँगी शावर के लिए। चलिए मैरिनेट कर देती हूँ चिकन, फिर बातें करती हूँ। Didn't know that the honeymoon's just a phase. Now I understand. Oh my God, कितना आइस हो गया है ये। माँ ये पहले ही मुझे बाहर निकाल के रखना चाहिए, देखो पूरा आइस है। तो मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ, तभी ये नॉर्मल होगा। एक्चुअली मैं कल मटन मंगाई थी और मटन ज़्यादा हो गया था, इसलिए मैं रख दी थी कि आज बना लूँगी सोच के, बट उस बिना कुछ ज़्यादा ही आइस जम गया है। तब तक मैं ये अनियन सब मिलाऊंगी ना, तो वो नॉर्मल हो जाएगा और फिर मैं इसको मैरिनेट कर दूँगी। तो चलिए मैं जितना कुछ काट के रख दी सब मैं पहले ही कर दी थी, तो ये सबको मैं काट के डाल देती हूँ, मिला देती हूँ, उसके बाद उसको मटन को भी इसमें डाल दूँगी। मटन को जितनी अच्छी तरीके से हाथ से मैश करो ना, मसाला अच्छी तरीके से उसके अंदर जाता है मटन के अंदर, और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो ये देखो मैरिनेट हो गया, इसे कुछ देर के लिए मैं छोड़ दूंगी। अब तो मटन मैरिनेट हो गया है, ले ली हूँ मैं मस्टर्ड ऑयल, जीरा, तेज़पत्ता, और इसमें डाल दूंगी ये मैरिनेट किया हुआ मटन। अगर आपके पास टाइम है तो इसे हाफ एन आवर छोड़ दीजिए और अच्छा टेस्ट आएगा, बट मैं अभी 10 to 15 मिनट जैसा छोड़ी थी, और इसे मैं डाल दी हूँ अब ऑयल, और इसे मैं धीमी आँच पे अब पकने दूंगी। आराम से मटन पकेगा, मटन में पकाने में ना कभी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए वरना ये अच्छा नहीं बनेगा। तो इसे मैं ढक ढक के सीम पे ना आराम से पकाऊंगी। तब तक मैं कर देती हूँ मसाले की तैयारी, क्योंकि मुझे बनाना है आम का अचार। तो आम का अचार बनाने के लिए जितने सारे मसाले मैं रोस्ट करे थे, धनिया, जीरा, पांच फोड़न, उस सबको मैं जार में डाल दी हूँ, और साथ के साथ डाल दूंगी इसमें ब्लैक मस्टर्ड, जो काला सरसों आता है ना वो डाल दूंगी। काला सरसों को ना फ्राई नहीं करना है, रोस्ट नहीं करना है इसको, नहीं तो ये तीता हो जाएगा, कड़वापन इसका टेस्ट हो जाएगा, इसीलिए मुझे इसे कच्चा ही डालना है। तो इस सबको मैं साथ में डाल दी हूँ, और इस सबको साथ के साथ रोस्ट ग्राइंड भी कर दूंगी। तो इस सबको साथ के साथ ग्राइंड कर दी हूँ, और मैं ये जो आम रखा हुआ है ना, ये इसको ना नमक और हल्दी डाल के मम्मी 2 दिन पहले ही धूप में डाल दी थी, तो पानी बहुत निकल गया था, और ये बहुत अच्छा हो जाता है, तो पानी निकाल दिया इसका, और ये मसाला पहले से ही बना हुआ था वो भी मैं डाल दी हूँ। ये भी मैं जैसे अभी बनाई हूँ ना मसाला, ग्राइंड करी हूँ ना सेम मसाला, ये भी पहले जो मैं आम का अचार बनाई थी ना वो था, तो वो भी डाल दी हूँ, और अभी जो ग्राइंड करी हूँ मसाला वो भी डाल दी हूँ। थोड़ा सा मुझे लगता है ज़्यादा हो गया, तो इसको मैं बचा लूँगी। और डाल देना है मिर्ची पाउडर, डाल देना थोड़ा सा हल्दी, हल्दी में पहले भी डाली थी, इसे हल्दी थोड़ा कम डाली हूँ, और नमक डाल देना है, नमक इसमें थोड़ा सा पहले भी मैं डाली थी और थोड़ा सा अभी भी डालूंगी, तो स्वाद अनुसार नमक डालें। और डालना है मिर्ची पाउडर, नहीं डालना है इसमें, क्योंकि मैं मिर्ची को ग्राइंड करके डाली हूँ, मैं मिर्ची पाउडर यहाँ ले आई हूँ बट डालना नहीं है, मैं भूल गई थी। तो इसमें नमक भी डाल दी हूँ, हल्दी भी डाल दी हूँ, और हींग डालना है, हींग बहुत जरूरी है। और कोई कोई ना जो सौंफ आता है, सौंफ और अजवाइन भी डालता है, बट मैं सौंफ और अजवाइन नहीं डालती हूँ, है तो डाल दो नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। तो ये मिर्ची को भी मैं ग्राइंड कर दूंगी और इसको भी डाल दूंगी। तो चलिए ग्राइंड हो गया है ये, इसे भी डाल देते हैं, और डाल देना है मस्टर्ड ऑयल। तो ये सब ना रोस्ट किया हुआ जितना था उस सबको मैं पाउडर बना ली हूँ, दरदरा बनाना है, पाउडर एकदम नहीं बनाना है, दरदरा में बनाई हूँ। तो ये सबको डालने के बाद डाल दूंगी मस्टर्ड ऑयल, और इसे मम्मी अब हाथ से मिलाएगी। इसे ना हाथ से मिलाना पड़ता है, अगर आप इसको जो स्पून आता है ना चम्मच उससे मिलाओगे ना, तो ये मसाला बिल्कुल नहीं मिलेगा अचार में, इसलिए जितना हो सके ना हाथ से मिलाना है इसे, बहुत अच्छी तरीके से इसे मैश कर करके मिलाना है। तो ये मम्मी, ये काम ना मम्मी ही करती है मेरे, जब भी मैं ये वाला मसाला मिलाती हूँ ना मेरे मुँह में लग जाता है। और ये अचार का जितना कुछ है ना वो मम्मी दिखाती गई है, मैं करती गई हूँ, क्या है ना कि मम्मी बहुत कुछ मुझे सिखाई है अभी। तो ये अचार ये सब बनाना मैं पहले नहीं जानती थी, बट मम्मी ने अभी मुझे परफेक्ट कर दी है।
तो बस इसे अच्छी तरीके से मैश कर देना है। उसके बाद उसे धूप में डाल देना है, 2-3 दिन तक इसे धूप में पकने देना है। उसके बाद जो शीशे का जार आता है ना, ग्लास बोतल, उसमें डाल देना है और इसमें ऑयल डाल देना है, मस्टर्ड ऑयल। इसे अच्छी तरीके से धूप दिखा देना है 2-3 दिन, और उसके बाद रख देना है। उसके बाद बीच बीच में आप धूप दिखाते रहो, ये सालों भर अचार चलेगा। तो मेरे तो आम के अचार फेवरेट है, तो आप लोगों को कैसा लगता है आम का अचार जरूर बताइएगा। और आप लोग कहने पर मैं ये आम का अचार भी शेयर कर दी हूँ आज। तो बस बहुत ही आसान है आम का अचार बनाना, इसी तरीके से बनता है आम का अचार। तो आप लोग भी जरूर ट्राई करें इस आम के अचार को, तो बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत टेस्टी लगती है। तो ये 4 पोटैटो बड़ा बड़ा मैं डालती हूँ। तो पोटैटो डालने के बाद अच्छी तरीके से इसे मिला देना है, ताकि जो मसाला है ना वो पोटैटो में भी अच्छी तरीके से मिल जाए। जाएगा घी और जाएगा ये मटन मसाला। तो चलिए ये सबको मैं डाल दी हूँ, और 3-4 प्रेशर आने तक इसे, और थोड़ा हाँ पानी नहीं डाली हूँ, पानी डालने के बाद 3-4 प्रेशर आने तक पकने दूंगी। तब तक मैं आती हूँ शावर लेके, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। I've been lying to myself. No, I need to get some help. Hoping you could save me. Baby, put our pictures on the shelf. Swore I'm over you, oh well. सो गाइस, मैं सावर देने के बाद बना ली हूँ रोटी, और राइस भी बन गई है, लंच भी हो गया है रेडी। अब हम करेंगे लंच, और आज मुझे बहुत जल्दी पड़ी है, और जल्दी जल्दी मैं ना आप लोगों के साथ आज मैं बहुत कुछ शेयर करी, और मतलब आज किचन में ही रही, किचन में ही मैं सुबह से लगी हुई हूँ, क्योंकि किचन में ना आज बहुत काम था। तो ये देखिए, मम्मी बैगन की जो रेसिपी बनाई थी ना आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो ये भी बन गया है, ये बन गई है मेरी मटन। तो चलिए मैं लंच कर देती हूँ, फिर बातें करती हूँ आप लोगों से। और गया है मेरा लंच, और जितने बच्चे खुचे थे कुछ कुछ रह जाता है ना प्लेट्स में, सबको भी साफ करने के बाद मैं प्लेट्स को एक पानी से धो के और रख दी हूँ। अब मेड आएगी तो उसको बर्तन को धो लेगी। सो गाइस, हो गया है हमारा लंच, और ये किचन भी मैं क्लीन कर दी, दूध को बॉयल कर रही थी, उसमें थोड़ा सा राइस बचा है कुकर में, और थोड़ी सी दाल बची है, क्योंकि दाल आज हम खाए नहीं थे, फिर पापा के लिए दाल बना था, तो थोड़ी सी दाल बची है। और ये खाने के बाद मेरी चाय भी बन गई, चाय पीऊँगी मैं, यहाँ रखूँ तो ये देखिए, बोलते हैं ना कभी कभी सांस लेने का टाइम नहीं मिलता है, बस आज वही हो गया, मुझे ना सांस लेने का भी टाइम नहीं मिला है। सुबह से लगी हुई हूँ, और अभी चाय पीने के लिए गई, तब तक ये ब्लैंकेट वाला आ गया, और मुझे जाना है अभी बाहर, इसलिए मैं फटाफट सब काम निपटा रही हूँ। और आप लोगों के साथ ना मुझे आम का अचार रेसिपी शेयर करना था, बस इसलिए मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करी, वरना आज मैं ब्लॉगिंग नहीं करती। तो चलिए कोई नहीं, आप लोगों के साथ जो मेन रेसिपी शेयर करना था वो शेयर कर दी, इसके लिए मुझे खुशी मिल रही है। और आज ना मैं ढंग से ब्लॉगिंग भी नहीं कर पाई हूँ इस चक्कर में। ब्लैंकेट धोने के लिए दी थी, आ गया विंटर कब का खत्म हुआ, ब्लैंकेट मेरा अभी धुला है, मेरे हाथ को करना है मुझे सेम टच। तो ये देखिए, ये तीनों ब्लैंकेट मैं ड्राई क्लीनर में दी थी, ये क्लीन होके आ गया। अब इसे मैं विंटर स्टार्ट होने से पहले भी क्लीन करवाती हूँ, और विंटर खत्म होने के बाद ही क्लीन करवाती हूँ, ऐसा करने से नहीं काफ़ी दिनों तक चलता है। सो गाइस, अभी मुझे जाना है बाहर, तो मैं फटाफट सब काम निपटाई हूँ, ब्लैंकेट को वॉश करने के दी थी, वो भी आ गया, अच्छा हुआ, क्योंकि 3 डेज या 4 डेज हो गया है ब्लैंकेट को दिए हुए, आज आया है, तो वो भी वॉश हो गया, आ गया अच्छा, मतलब अच्छे टाइम पे आ गया, तो मैं बाहर निकल जाती, फिर मम्मी को रिसीव करना पड़ता। तो चलिए मैं हो जाती हूँ रेडी, मुझे जाना है बाहर, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ मैं। तो चलिए मैं आ गई हूँ रेडी होने के लिए, और आज ना बहुत ही अर्जेंट काम है, अर्जेंट काम से मैं बाहर जा रही हूँ, वरना ना आज जाने का बिल्कुल ही मूड नहीं था, क्योंकि ना सुबह से इतना काम हो गया ना, एक्चुअली जल्दी जल्दी करना पड़ा ना सब काम, इसलिए ज़्यादा टायर्ड हो गई गई। तो चलिए मैं रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद निकलना है, तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोग को अपने नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। तब तक रे बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक करके जाना, बाय, टेक केयर। आज का मेरा ये आउटफिट है, दोनों मैचिंग मैचिंग, हाँ इधर ऐसे करते हैं मैचिंग मैचिंग, तो दोनों मैचिंग मैचिंग, ये देखो ओह गॉड, मैचिंग मैचिंग दिखाते दिखाते आ गई, बाय।